वेलकम टू मार्वल कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों लोग हमने कंपेरेटिव कर लिया, हमने कॉमन साइज कर लिया, नॉर्मल वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल रेवेन्यू सब कुछ कवर कर दिया। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके 12 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रेशियोज है। अब एक्चुअली बोलूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में रेशियो बहुत डिटेल में है, पर आपका फॉर्मूला बेस्ड है तो भी मैं ट्राई करूंगा हो सके उतना आपको मैं लॉजिक बताऊं। ओके बच्चों, तो पहला रेशियो है बच्चों, पहला रेशियो है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का पहले तो मतलब क्या है? बेसिकली करंट रेशियो मतलब करंट असेट और करंट लाइबिलिटी तो आता है, पर करंट असेट और करंट लाइबिलिटी मतलब करंट का मतलब क्या है एग्जैक्टली? देखो, दो तरह के असेट्स होते हैं, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स, या दो तरह की लाइबिलिटी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो बेसिकली ये जो करंट वर्ड है ना, करंट मतलब लेस देन मनी। करंट का मतलब होता है बच्चे लोग अगर डिटेल में जानना है तो क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है, लेस देन मनी। सबको मेरी बातें समझी? तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट, सी ए मतलब करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो सर करंट असेट में क्या क्या आता है? अब जो भी असेट में लिखते हो बच्चे लोग, उसमें जो भी करंट असेट कौन कौन से होते हैं, जो लेस देन वन ईयर होते हैं, मतलब लेस देन वन ईयर में जिसमें आपको पैसा मिलने वाला है उसको हम करंट असेट बोलते हैं। फिक्स असेट जो होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, वो सब मोर देन वन ईयर है। तो करंट असेट क्या होते हैं सर? जैसे कि आपका डेटर, समझता बच्चे लोग, डेटर होता है, बिल रिसीवेबल होता है, स्टॉक होता है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब आपके क्या हो जाएंगे बच्चे लोग, करंट असेट। वैसे करंट लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब आपकी क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने रेश टू वन जो लिखा है, मतलब समझो करंट असेट 5 लाख है और करंट लाइबिलिटी 1 लाख है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 लाख, 1 से 5 लाख, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 5:1। सबको मेरी बातें समझी? करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब इन ये क्या लिखा है मैंने, 2:1। अब 2:1 का मतलब क्या है, आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। इंडस्ट्री में ऐसा रूल है, जिस कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है या उससे ज्यादा है उस कंपनी को अच्छा माना जाएगा। तो सर इसका मतलब क्या है, सुनो, 2:1 का मतलब ये है, अगर आपकी करंट लाइबिलिटी 1 रुपया है तो आपके पास सामने करंट असेट कितने के हैं, 2 रुपीज के, मतलब आपकी करंट लाइबिलिटी मतलब जो लेस देन करंट, मतलब लेस देन वन ईयर, करंट लाइबिलिटी मतलब जो लेस देन वन ईयर के अंदर आपको पे करना पड़ेगा। अगर लॉजिक समझना चाहते हो तो आपको 1 रुपया पे करना है, आपके पास करंट असेट लेस देन वन ईयर में आपके पास कितना पैसा आने वाला है, 2 रुपीज। तो इस कंपनी को हम अच्छा मानेंगे, मतलब ऐसी कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक रेशियो देखना चाहिए जिसका नाम है करंट रेशियो। करंट रेशियो इंडस्ट्री का रूल है, नॉर्मली करंट रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1। मतलब फिर से बोलूंगा, जब जब करंट लाइबिलिटी 1 रुपया है तो आपके पास करंट असेट कितना होना चाहिए, 2 रुपीज। अगर करंट लाइबिलिटी 1 लाख है तो करंट असेट 2 लाख तो होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो अच्छा, पर कम है तो अच्छा नहीं। फिर से बोलूंगा, करंट मतलब लेस देन वन ईयर, मतलब करंट असेट मतलब लेस देन वन ईयर में आपके पास पैसा आने वाला है, करंट लाइबिलिटी मतलब लेस देन वन ईयर के अंदर आपको पैसा देना पड़ेगा। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो। तो पहला रेशियो आप भी मेरे साथ याद करो, करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट असेट के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बराबर, प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब करंट असेट्स के एग्जांपल है। होप सो आपको ये सब आता है। तो करंट रेशियो का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ सकता है। करंट रेशियो का नॉर्मल रूल क्या है, 2:1 का मतलब जब जब करंट लाइबिलिटी 1 रुपया होगी तो करंट असेट कितना रुपया होना चाहिए, 2, पर ऐसी कंपनी को अच्छी कंपनी माना जाती है। होप सो आपको मेरी बातें समझो। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट असेट मतलब लेस देन वन ईयर, करंट लाइबिलिटी भी लेस देन वन ईयर, असेट मतलब पैसा आने वाला है और लाइबिलिटी मतलब पैसा जाने वाला है। इसी के साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा। तो करंट रेशियो करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी है,
तो एक और कंसेप्ट सुना रहेगा आपने, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, याद रखना। और हमने वर्टिकल फॉर्मेट में भी किया था, याद करो, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में हमने ये किया है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। होप सो आपको मेरी बातें समझी। आगे बढ़ेंगे सेकेंड रेशियो की तरफ, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। मतलब ये रेशियो के बच्चे लोग तीन नाम है, आप भी मेरे साथ याद कर लो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। तीनों के अलग अलग नाम है, आपके घर का आपका नाम होता है सोनू, मोनू, चीनू, मीनू, जो भी नाम हो, मुझे नहीं पता। ओके, अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। अब सुनो यार, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक, जैसे हमको भी लाइफ में सब कुछ क्या चाहिए, क्विक चाहिए। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, ये क्विक असेट कैसे मिलेगा, ये क्विक असेट कैसे मिलेगा, ईच एंड एवरी वन। क्विक असेट इक्वल टू करंट असेट। हमने अभी भी सीखा करंट असेट, सुनो करंट असेट में कुछ बातें ऐसी है जो एकदम क्विक नहीं। क्विक मतलब, जैसे मैंने बोला करंट मतलब लेस देन वन ईयर, पर क्विक मतलब हमको जल्द से जल्द पैसा चाहिए। तो करंट असेट में बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुननी पड़ेगी, करंट असेट में कुछ बातें क्विक नहीं है, मतलब जिनको टाइम लग सकता है। क्विक मतलब आज का आज पैसा चाहिए, हम वन ईयर भी वेट नहीं करेंगे। तो क्विक असेट में, जैसे कि करंट असेट में जो स्टॉक है, स्टॉक का एक और नाम है इन्वेंटरीज। क्या नाम है? इन्वेंटरीज। तो क्विक असेट के लिए हमको करंट असेट पे से स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों माइनस कर रहे हो? बच्चों लोग, आपके दुकान में भले 1 करोड़ का स्टॉक है और उसको बेचने में टाइम जाएगा, और हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, क्विक असेट, आज का आज चाहिए। तो स्टॉक बेचने में टाइम जाएगा, इसीलिए करंट असेट में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, स्टॉक। स्टॉक का एक और नाम क्या है, इन्वेंटरी। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, सबको समझाओ, रट्टा नहीं मारना। अब एक और चीज है करंट असेट में, प्री पेड एक्सपेंस। तो क्विक रेशियो, सॉरी क्विक असेट, क्विक असेट कैसे मिलेगा, करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। सही, प्रीपेड एक्सपेंस का लॉजिक नहीं समझ रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले से पैसा दे दिया, अरे पैसा दे दिया नो, तो फ्यूचर में देने की जरूरत नहीं है, पर वो हमारे लिए असेट है, पर हमारे पास पैसा आने वाला नहीं है, पैसा तो चला गया। तो क्विक असेट के लिए, क्विक असेट के लिए हम लोग करंट असेट में से क्या माइनस करेंगे, स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, पहले से पैसा चला गया। तो वैसे ही क्विक लायबिलिटी, देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड रेशियो क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक असेट कैसे मिलेगा, करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। और क्विक लायबिलिटी कैसे मिलेगा, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करेंगे। क्यों सर? देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, हर किसी को नहीं मिलता, रेप्यूटेड कस्टमर को मिलता है, जिनका जो बिजनेसमैन है जिनका बैंक में करंट अकाउंट है। तो बैंक उन पे भरोसा कब करेगा, जब बैंक को भरोसा है कि पैसा देगा, डूबने वाला नहीं है, तो बैंक आपको ट्रस्ट करके पैसा दे रहा है, करंट अकाउंट होल्डर बिजनेसमैन को। तो उसको आज का देने की जरूरत नहीं, आप समझो हम क्या माइंड करें, क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी मतलब आज का देना पड़ेगा। तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, क्रेडिटर, क्रेडिटर को आज का देना पड़ेगा, नहीं तो हमको गुड्स देने वाला नहीं है। आज का मतलब जो डेज रहेंगे, 1 month 2 month ऐसा, समझ रहे हैं? तो उनको आज का मतलब पैसा नहीं दिया, तुरंत पैसा नहीं दिया तो हमको गुड्स देंगे नहीं, बिल्स पेबल आज का देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट हर महीने नहीं दोगे तो जगह क्या करेगा, खाली करा देगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आज का नहीं दोगे तो चलेगा, क्योंकि बैंक को आप पे भरोसा है, तभी तो उसने आपको पैसा दिया है। आपको मेरी बातें समझो। क्विक लायबिलिटी कैसे मिलेगा, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्विक असेट कैसे मिलेगा, करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। लॉजिक समझा। क्विक लायबिलिटी कैसे मिलेगा, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको मेरी बातें समझो।
तो बच्चे लोग हमारा सेकंड रेशियो क्या है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। पर क्विक एसेट कैसे मिलेगा, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये देखो मैंने इधर क्या लिखा है, 1:1। जैसे करंट रेशियो का रूल था 2:1, क्विक रेशियो का रूल क्या है 1:1। मतलब 1:1 मतलब करंट लायबिलिटी 1 लाख है, क्विक लायबिलिटी 1 लाख है और क्विक एसेट भी 1 लाख है, तो दोनों इक्वल है, तो उस कंपनी को हम क्या करेंगे, अच्छा मानेंगे। सबको मेरी बातें समझी, क्विक लायबिलिटी का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्विक लायबिलिटी का रेशियो क्या है 1:1। मतलब अगर क्विक लायबिलिटी 1 करोड़ है तो सामने क्विक एसेट भी कितने होने चाहिए, 1 करोड़ होने चाहिए। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो और लॉजिक समझाओ, रट्टा मार रहे बहुत लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला रट रहे। आपको क्विक रेशियो का फॉर्मूला तो समझा, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। पर क्विक एसेट कैसे मिलेगा, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे और करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करेंगे तो हमको क्विक एसेट ऐसे मिलता है और क्विक लायबिलिटी ऐसे मिलती है, और क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्विक रेशियो। क्या मिलेगा बच्चे लोग, क्विक रेशियो। होप्स आपको मेरी बातें समझो, दोनों फॉर्मूला का लॉजिक समझो, होप्स आप रट्टा नहीं मारो। ओके, इंडस्ट्री का रूल क्या है, इंडस्ट्री का रूल ये 1:1, मतलब अगर क्विक लायबिलिटी 1 है तो क्विक एसेट भी 1, मतलब 1 लाख 1 लाख, तो इस कंपनी को अच्छा मानेंगे। समझ रहे मेरी बात, हाँ के ना, ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्विक लायबिलिटी 1 लाख है और क्विक एसेट 2 लाख ही चलेगा, पर उल्टा नहीं चलेगा, क्विक एसेट 5 लाख क्विक लायबिलिटी 15 लाख, तो कंपनी अच्छी नहीं है क्योंकि उसको पैसा देना ज्यादा है पर सामने उसके बाद पैसा आ रहा कम है। होप सो आपको मेरी बातें समझ रही है। अब थर्ड रेशियो इधर, अब बच्चों दो स्टार्टिंग के दो रेशियो में तो भी बहुत सारे लॉजिक है, अब ये एकदम इजी है। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली मिलता कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट से, याद है, और हमने तो पूरा रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाया, याद करो, सेल्स माइनस COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद है, अगर आपको याद नहीं तो प्लीज रेवेन्यू स्टेटमेंट देखो, वहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये जीपी हम लोग कहां से ढूंढेंगे, रेवेन्यू स्टेटमेंट से, अगर सब में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा, सेल्स पर, सेल्स में क्या लिखा है मैंने, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो हमको क्या मिलेगा, नेट सेल्स। ये सब परसेंटेज में आएगा क्योंकि रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस में आता है, परसेंटेज। तो जीपी रेशियो आप भी याद करो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये कहां से ढूंढेंगे, रेवेन्यू स्टेटमेंट, याद है, सेल्स में से COGS गया तो हमको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। याद करो, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आपको याद नहीं तो प्लीज एक बार वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट देख लेना। देखो इसी के साथ हमारा फोर्थ रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, वर्टिकल स्टेटमेंट बनाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक समझा, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम क्या माइनस करेंगे, एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो आपके 12th के लिए बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ले सकते हैं, आफ्टर टैक्स भी ले सकते हैं, मतलब जो सब में दिया वो ले लेगा, दोनों राइट मिलेगा। ये लोअर लेवल पे बात करो, 12th लेवल पे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में होना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ले सकते हैं, आफ्टर टैक्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो भी बोल सकते हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी बोल सकते हो। कैसे मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, डोंट वरी, बस छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखना, जीपी रेशियो बोलो जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो बोलो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू, सब कुछ दिमाग में रखेगा, ये जीपी हो एनपी हो या ऑपरेटिंग हो, ये तीनों के तीनों डिपेंड किस पे करेंगे, नेट सेल्स। देखो सबके नीचे क्या आ रहा है नेट सेल्स, सबके नीचे क्या आ रहा है, देखो नेट सेल्स। तो जीपी रेशियो हो, नेट प्रॉफिट रेशियो हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तीनों के ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर, नेट सेल्स नीचे, इधर देखो नेट प्रॉफिट ऊपर नेट सेल्स नीचे,
ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, नेट सेल्स नीचे। बस छोड़ना मत, मेरा ये एडवाइस है, छोड़ के मत जाना। बहुत लोग ये चैप्टर छोड़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब क्या लिखा है, देखो ये दोनों है ना, मैं साथ में कर रहा हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बहुत ज्यादा चांस है ये आएगा तो आपको डायरेक्टली दिया जाएगा। अब ये लोअर लेवल पे मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हायर लेवल पे इसके फॉर्मूलेज में थोड़ा चेंज है, पर इधर फिलहाल के लिए क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब सिंपल सिंपल लॉजिक में बोलूं, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल, कोई भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया 10 लाख, कितना इन्वेस्ट किया 10 लाख, और आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख, तो परसेंटेज वाइज रिटर्न कितना हुआ, 1 लाख डाला था 10 लाख मिला 1 लाख, तो कितना परसेंट रिटर्न हुआ, 10%। तो इसने इसको फॉर्मूले में कर दिया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सही, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है तो भी बता देना, चलो बता दो। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, खुद का पैसा। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हिंदी में समझो, बिजनेस में हमने खुद का पैसा भी डाला होगा और बोरो किया हुआ पैसा भी डाला रहेगा, तो उन दोनों को ऐड करके हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। याद करो वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट, सॉरी सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में क्या आता है, याद करो खुद का पैसा, बोरो किया हुआ पैसा, ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड। ओनर्स फंड में तीन बातें, कैपिटल रिजर्व सरप्लस मिसचेलेंस एक्सपेंडिचर। मुद्दे का बात यह है, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि रेशियो के लिए दोनों काम का है। प्लीज बच्चे लोग समझो। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा, डोंट वरी, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया रहेगा। सेम वैसा ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट बिफोर, इसमें डिविडेंड था, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दिया गया, मेरी बात मान लो, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया जाएगा। मैं सम कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, हमने कितने रेशियो देखे बच्चों, 7 रेशियो देखे, एक बार रिचेक करते हैं। पहले रेशियो का नाम है करंट रेशियो, करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। याद रखना इंडस्ट्री का रूल क्या है, 2:1, ये भूलना मत। क्या था ईच एंड एवरी वन, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक असेट कैसे मिलेगा, करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्विक रेशियो का इंडस्ट्री का रूल क्या है, 1:1 ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जीपी रेशियो एकदम इजी, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। बराबर बच्चे लोग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सेम वैसा ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। होप सो आपको मेरी बातें समझिए। ओके बच्चे लोग, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी बोलूंगा वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट पहले अच्छे से याद करें।